हेलो एवरीवन, मेरा नाम जे एस मल्होत्रा है और आज की क्लास में स्वागत है बच्चों। आज सी ए इंटरमीडिएट का पेपर नंबर 4 यानी टैक्सेशन के बारे में बात करेंगे। तो आज के जो लेक्चर है ना, इसके अंदर मैं सी ए इंटरमीडिएट के बारे में बात नहीं करूंगा, क्योंकि सी ए इंटरमीडिएट के बारे में मैंने पिछली वीडियो में बात करी थी। अगर आपने नहीं देखी है तो प्लीज़ उस वीडियो को ज़रूर देखना। उसमें सी ए इंटरमीडिएट के बारे में बताया कि नवंबर 21 के लिए या मई 21 के लिए आपके क्या सब्जेक्ट्स होते हैं, क्या क्या आपको कोर्स करना होगा, किन सब्जेक्ट्स में क्या कंटेंट होता है, इसके बारे में बात किया है। और बोथ ग्रुप्स करना चाहिए, सिंगल ग्रुप, उसके बारे में बात किया। ठीक है, तो अभी जो वीडियो होगी, ये वाली जो वीडियो है, वो टैक्स की डेमो क्लास है। ठीक है, आज टैक्स का डेमो मैं आपको देने वाला हूँ। इसके अंदर मैं टैक्स के बारे में बताऊंगा कि क्या कोर्स कंटेंट है। आओ समझते हैं बच्चों। टैक्सेशन पेपर 4, 100 मार्क्स का ये पेपर है, 100 मार्क्स का ये पेपर है, आप लोग जानते हैं। और इस 100 मार्क्स के इस पेपर में 70% डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस हैं, डिस्क्रिप्टिव, और 30% MCQs, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। बेटा रिसेंटली इंस्टीट्यूट ने पिछले 2 अटेम्प्ट से, अगर मैं बात करूं इंटरमीडिएट में, MCQs कंपलसरी कर दिए हैं, इंटरमीडिएट में भी और फाइनल लेवल पर भी। यानी सीए इंटरमीडिएट पे भी आपको MCQs देने हैं और फाइनल लेवल पर भी देने हैं। तो फाइनल लेवल पे भी MCQs होंगे। जो थियोरेटिकल पेपर्स हैं हमारे, मैंने पिछली वीडियो में बताया भी था, थ्योरेटिकल पेपर्स में एक पेपर टैक्सेशन का भी है, जो हालांकि कंप्लीटली थ्योरी तो नहीं है बच्चों, बट स्टिल इंस्टीट्यूट ने कहा कि टैक्सेशन वाले पेपर में भी हम लोग MCQs डालेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। और सबसे अच्छी बात क्या है कि इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, नो नेगेटिव मार्किंग। ठीक है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। चलो तो अब टैक्सेशन की बात करते हैं। 100 नंबर का ये पेपर है। सर इसमें क्या क्या चीज़ें आएंगी, क्या क्या कवर करना है बच्चों? इसके अंदर अगर हम बात करें तो 2 टैक्स मैं बोलूँ सबसे ज़्यादा बड़ा सब्जेक्ट है आपको बच्चों, मैं नहीं बोल रहा हूँ, आप लोग इंस्टीट्यूट का स्टडी मैट जब आपके सामने आएगा तो आप लोग कंपेयर करना, सारी बुक्स को रख लेना सब्जेक्ट वाइज और चेक करना किसका वेट सबसे ज़्यादा है, या फिर मैं कहूँ किसकी बुक सबसे ज़्यादा है, तो आपको पता चल जाएगा सारे इंटरमीडिएट में आपको टैक्स का सबसे ज़्यादा सिलेबस दिखेगा। ठीक है, तो अनडाउटेडली ये पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है। सी ए इंस्टीट्यूट समझता भी है इस पेपर की वैल्यू, और इनफैक्ट बच्चे को भी ये समझना बहुत ज़रूरी है कि सीए ने ही टैक्सेशन की जर्नी संभालनी है। सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट जो है ना, वो आज इनकम टैक्स एक्ट के थ्रू इकलौता वो बंदा है, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट है जो ऑडिट करने के लिए राइट्स रखता है। यानी इनकम टैक्स के ऑडिट करने के लिए सीए के पास राइट है, चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास राइट है। तो मैं ये कह सकता हूं कि ये सब्जेक्ट आपके लिए क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, आप लोग समझ ही सकते हैं। हाँ चल आगे देखते हैं सर, पेपर नंबर 7 इसमें, सर पेपर नंबर 4 में इसमें हमें क्या पढ़ना है? हमें इसके 2 पार्ट्स पढ़ने हैं, एक पढ़ना है इनकम टैक्स और एक पढ़ना है बच्चों गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। बच्चों 60 मार्क्स का इनकम टैक्स है आपके कोर्स में, और 40 मार्क्स का जीएसटी है। ठीक है जी, 60 मार्क्स का इनकम टैक्स है और 40 मार्क्स का जीएसटी है। हाँ जी, तो अब मैं आपको बताता हूं ये जो इनकम टैक्स है इसके अंदर क्या क्या कंटेंट आता है, और जीएसटी जो 40 नंबर का, इसके अंदर क्या क्या कंटेंट आता है, सीए इंटरमीडिएट में हमने कितना पढ़ना है। बेटा बहुत बड़ा सिलेबस है ना, तो मैं ये कह सकता हूं कि छोटा मोटा कोर्स नहीं है, एक ये अलग सब्जेक्ट है और ये एक अलग सब्जेक्ट है जिसको जोड़ के एक पूरा 100 मार्क्स का पेपर बनाया है। तो इंस्टीट्यूट ने पता नहीं, देखो ये पेपर वैसे तो दोनों सेपरेट होने चाहिए थे, बट अगर पेपर को बड़ा बनाया है तो एक सीए इंटरमीडिएट में एक सिर्फ तूफ़ानी सब्जेक्ट यही है टैक्सेशन, जिसका बहुत बर्डन होता है बच्चों के ऊपर। और मैं ये कहता हूँ कि इंटरेस्टिंग भी बहुत है, स्कोरिंग भी बहुत है, डिपेंड करता है बच्चों की किस तरीके से आप लोग तैयारी करते हो और इस सब्जेक्ट को कितनी आप लोग वैल्यू देते हो। सर इसका कंटेंट बता दो थोड़ा सा, हमें कंटेंट के बारे में बात करते हैं बच्चों। इनकम टैक्स के कंटेंट की बात करें तो हम लोग कोर्स में क्या क्या करते हैं, हम बात करेंगे सबसे पहले इंट्रोडक्शन की, जो कि इनकम टैक्स एक्ट, जहां से इनकम टैक्स की शुरुआत हुई है, हम उसी के बारे में बात करेंगे, इंट्रोडक्शन टू इनकम टैक्स एक्ट 1961। फिर हम बात करेंगे बेसिक्स, इसमें तो बेसिक्स की बातें करेंगे, तो जितने भी बेसिक्स कंटेंट्स हैं सारे बेसिक्स जो हैं वो इसी के अंदर होंगे, और डेफिनेशंस होंगी, डेफिनेशंस होंगी इनकम टैक्स में, हम लोग जितनी भी डेफिनेशंस यूज करने वाले हैं वो सब इसी चैप्टर के अंदर मैंने रखी हैं। इसके अलावा टैक्स रेट्स, बच्चों टैक्स रेट्स, आपको इनकम टैक्स के रेट्स क्या लग रहे हैं हमारे इंडिविजुअल के ऊपर, कंपनी के ऊपर, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के ऊपर, सब लोगों पे इनकम टैक्स के रेट्स इस पर्टिकुलर चैप्टर में लिखे जाते हैं। नंबर 2 रेजिडेंशियल स्टेटस,
हमारे देश के अंदर रेजिडेंट्स को टैक्स ज्यादा देना पड़ता है इन कंपैरिजन टू नॉन रेजिडेंट्स ऑफ इंडिया। क्या आप लोग जानते हो? आप लोग नहीं जानते हो, इसीलिए हम लोगों को वो जानने के लिए ये चैप्टर पढ़ना पड़ेगा, रेजिडेंशियल स्टेटस। बच्चों, रेजिडेंशियल स्टेटस में हम लोगों ने यही बातें पढ़नी है कि क्यों रेजिडेंट्स को ज्यादा टैक्स देना पड़ता है इन कंपैरिजन टू नॉन रेजिडेंट्स ऑफ इंडिया। सर, रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट फाइंड आउट कैसे करते हैं? सर, ये कुछ तो तरीका होगा, इसका एक प्रोसेस है जो हम लोगों ने रेजिडेंशियल स्टेटस में पढ़ना है, इंसिडेंस ऑफ टैक्स के अंदर पढ़ना है। ठीक है, तो ये हम लोग अलग पढ़ेंगे, ये एक अलग चैप्टर है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है बच्चों। नेक्स्ट चैप्टर इज इनकम अंडर डेट सैलरी, बड़ा चैप्टर है, लेंथी चैप्टर है। और एक सैलरी, सर सैलरी इंडिविजुअल, जितने भी लोग जॉब करते हैं उस जॉब करने वाले पर्सन की इनकम कैसे कंप्यूट की जाती है और उसके ऊपर कैसे टैक्स कैलकुलेट किया जाता है, हम उसके अंदर ये थर्ड चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, इनकम अंडर द हेड सैलरी। लेंथी चैप्टर होता है, मैं आपको बता दूं बच्चों, ये वाला जो चैप्टर होता है थर्ड, फिफ्थ और सिक्स्थ, जो पीजीबीपी और कैपिटल गेन और थर्ड सैलरी चैप्टर, ये जो तीन चैप्टर्स होते हैं ना, ये काफ़ी लंबे होते हैं, काफ़ी ज़्यादा इनका वॉल्यूम होता है, टाइम लगता है ख़त्म होने में, अराउंड 10-11 क्लासेस आपको पर्टिकुलर हर चैप्टर पे लगेंगी इन तीन चैप्टर्स में ही, मतलब ये तीन चैप्टर्स इतने लंबे हैं, आप लोग समझ सकते हो। सैलरी चैप्टर, तो सैलरी के अंदर आप जब आप ये चैप्टर पढ़ लोगे ना बच्चों, आई गारंटी यू आप लोगों को इतनी कैलकुलेशन करने में कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आप अपने पेरेंट्स के, अगर पेरेंट्स जॉब करते हैं तो आप उनकी सैलरी इनकम कंप्यूट कर दोगे। सर मैं आप अपनी बताऊं, मैंने खुद जब मैंने सैलरी अपने आप जब कुछ समझा था ना सैलरी के बारे में, तो मैंने सैलरी अपने फादर की जो सैलरी थी उनको कैलकुलेट करके, उनका TDS कैलकुलेट करके बताया था। पहले दिन की बात कर रहा हूं जब मैंने सैलरी सीखा था, तब क्या कर रहा था। सर ये ना चैप्टर का एक जुनून है, ये चैप्टर आपको एक ये एडवांटेज दे जाएगा कि आपको हर एक पर्सन की सैलरी इनकम कैलकुलेट करनी आ जाएगी कि क्या टैक्सेबल होगा और क्या एग्जेम्प्ट होगा। चलो आगे बढ़ते हैं, इनकम अंडर डेट हाउस प्रॉपर्टी। बच्चों, जब हम जॉब करते हैं तो हम लोग सैलरी कमाते हैं, जब हम प्रॉपर्टी को किराए पर देते हैं, लेट आउट करते हैं, तो हम लोग हाउस प्रॉपर्टी इनकम कमाते हैं। लेट आउट मतलब रेंटल इनकम, रेंटल इनकम टैक्सेबल होती है हाउस प्रॉपर्टी में। एक इंडिविजुअल 5 तरह की इनकम्स कमा सकता है बच्चों, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, PGBP, कैपिटल गेन एंड अदर सोर्सेज। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कहता है कि हमारे इन 5 तरह की इनकम्स पर एक इंडिविजुअल के ऊपर टैक्स लगाओ। तो भैया जॉब करोगे तो सैलरी इनकम पर टैक्स दोगे, प्रॉपर्टी किराए पर दोगे तो हाउस प्रॉपर्टी इनकम पर टैक्स दोगे, PGBP यानी प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन। अगर आप कोई बिजनेस करते हो, प्रोफेशन करते हो, अगर प्रोफेशन CA, CS, CMA, डॉक्टर, लॉयर, अगर आप ऐसा कुछ काम कर रहे हो, ये लोग, ये जो प्रैक्टिशनर्स होते हैं ना, इनकी प्रैक्टिस की भी जो इनकम होती है वो प्रोफेशन इनकम टैक्सेबल होती है अंडर द हेड प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन। शॉर्ट में हम लोग ना इसको PGBP याद करेंगे, आसान हो जाता है। बिजनेसेस की बात करें तो बिजनेस हर एक इंडिविजुअल जैसा बिजनेस कर रहा है, मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग, सर्विस, कोई भी तरह का बिजनेस कर रहा है, कंपनी भी हो सकती है, तो वो सारी इनकम्स यहीं पर कैलकुलेट होती हैं अंडर द हेड PGBP। तो एक इंडिविजुअल का और कौन सी इनकम हो सकती है? सर कैपिटल गेन, प्रॉपर्टी खरीद कर बेच दिया, जो खरीदने के बाद बेचा वो जो डिफरेंस है ना वो कैपिटल गेन हेड में टैक्सेबल होता है। मान लो मैंने एक इमूवेबल प्रॉपर्टी 50 लाख की खरीदी दोस्तों, और मैंने उसको 60 लाख की बेच दी, तो भाई कितने रुपए मैंने कमाए? 10 लाख रुपए कमाए, वो 10 लाख रुपए टैक्सेबल होगा अंडर द हेड कैपिटल गेन। समझ में आया बच्चों? सर ये कैपिटल गेन कैसे पता चलेगा कि कौन से एसेट को बेचने पर है? यही एसेट्स हम लोगों ने इस पर्टिकुलर चैप्टर में पढ़ने हैं कि कौन से हेड, कौन सा कैपिटल एसेट बेचने पर यह कैपिटल गेन होता है। तो ये बनेगा सेल ऑफ कैपिटल एसेट पर। जब भी हम कोई सेल ऑफ कैपिटल एसेट करेंगे, हम उसके ऊपर क्या फाइंड आउट करेंगे? कैपिटल गेन। अगर अदर सोर्सेज की बात करें, भाई साहब बड़े चलाक है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, इन्होंने क्या किया, पहले 4 हेड बना दिए और उन्होंने कहा कि अब कोई इनकम जो भी बच जाए ना वो इसके अंदर जाएगी, इसलिए ना इसका नाम रख दिया अदर सोर्सेज। इसको रेजिड्यूअल हेड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेजिड्यूअल हेड, जो बच जाए वो यहां पर, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, PGBP, कैपिटल गेन, अदर सोर्सेज, 5 हेड्स ऑफ इनकम्स होती हैं बच्चों, और 5 हेड्स ऑफ इनकम्स के अंदर ही आपकी सारी इनकम्स आएंगी और कहीं नहीं जाएंगी। तो अगर आपने रिश्वत कमाई तो आपको रिश्वत से कमाया पैसा सैलरी नहीं हो सकता, हाउस प्रॉपर्टी नहीं हो सकता, PGBP नहीं हो सकता, कैपिटल गेन नहीं हो सकता। SSC ने बोला मेरा तो कोई हेड ही नहीं है, मैं तो जा रहा हूं। भैया कहां जा रहे हो? अदर सोर्सेज में आएगा ये आपका हेड। समझ में आ गई बात? सर इसी तरीके से कोई भी, अगर आप कोई भी इनकम, इंटरेस्ट की बात करें, डिविडेंड की बात करें, गिफ्ट की बात करें, ये सारी चीजें कहां जाती हैं? अदर सोर्सेज में। ठीक है जी, तो ये 5 हेड्स ऑफ इनकम्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बट लेंथी नहीं है। ये वाले हेड जो है 4th और 7th चैप्टर में जो मैंने हेड लिखे हैं, हाउस प्रॉपर्टी और अदर सोर्सेज, ये थोड़े छोटे हेड हैं, और अगर मैं सैलरी और PGBP और कैपिटल गेन की बात करूं तो काफी लेंथी हेड है।
नेक्स्ट बात करते हैं क्लबिंग ऑफ इनकम की। क्लबिंग ऑफ इनकम बच्चों बनाया गया है इस कानून के अंदर कि भाई जब भी कोई माइनर इनकम कमा रहा है तो वो इनकम पे टैक्स तो दे नहीं सकता, तो माइनर की इनकम पे टैक्स पेरेंट्स की इनकम में जाके क्लब हो जाएगा। ये बातें हम लोगों ने इसके अंदर पढ़नी है। एग्जैक्टली ऐसे ही स्पाउस को अगर मैंने जान के कोई एसेट दे दिया, जान के अपने अपनी मर्जी से दे रहे हो बहुत अच्छी बात है, बट अगर आप कोई एसेट इनकम कमा रहे हो उस एसेट से और वो एसेट आपने अपनी वाइफ के नाम पे कर दिया सो दैट वो जो इनकम है वो वाइफ की हो जाए, हाँ अगर आपकी ऐसी सोच थी तो इनकम टैक्स वाले क्या कहेंगे? इनकम टैक्स वाले कहेंगे कि सर आप जान के कर रहे हो। इनकम टैक्स वाले क्या करेंगे? आपकी इनकम में इस इनकम को क्लब कर देंगे। सर ऐसे प्रोविजंस इनकम टैक्स वालों को बनाने पड़े सो दैट कोई टैक्स को अवॉइड ना करे। आपको इसके रीजन समझने पड़ेंगे, लॉजिक समझना पड़ेगा, वो आपको क्लबिंग ऑफ इनकम चैप्टर में पढ़ना है। छोटा सा चैप्टर है, ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है। सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस की बात करें तो सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस का मतलब हुआ कि अगर आज इनकम कमाते कमाते मेरी कोई नेगेटिव इनकम हो जाती है किसी भी हेड में, मान लो मेरी सैलरी इनकम पॉजिटिव है, हाउस प्रॉपर्टी इनकम मेरी नेगेटिव हो जाती है। नेगेटिव कैसे हो सकती है? सर मान लो मैं जो प्रॉपर्टी का किराया कमा रहा हूँ उस किराए से ज़्यादा मेरी प्रॉपर्टी का इंटरेस्ट ऑन लोन है। सर ये इंटरेस्ट ऑन लोन का बेनिफिट मिलता है? हाँ, गवर्नमेंट ने हमें इस प्रॉपर्टी इनकम में से, हाउस प्रॉपर्टी इनकम में से इंटरेस्ट ऑन लोन, अगर मैं प्रॉपर्टी को लोन पे लेता हूँ उस पर जो इंटरेस्ट है ना उस इंटरेस्ट को मैं उस इनकम में से माइनस कर देता हूँ और उसका मैं बेनिफिट ले सकता हूँ। इनकम टैक्स वालों ने कहा कि आप उसका बेनिफिट ले लो, तो हो सकता है कि आपकी इनकम है कम, इंटरेस्ट ऑन लोन आपका ज़्यादा बन रहा है, तो आंसर नेगेटिव में आ जाएगा। तो आंसर नेगेटिव में आ सकता है, हाउस प्रॉपर्टी में आ सकता है, बिजनेस में तो आ ही सकता है। तो बिजनेस में अगर नेगेटिव हो गया तो क्या करेंगे? सर वो किस हेड के साथ एडजस्ट हो सकता है? ये सब बातें हम लोग सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस में पढ़ने हैं। सर ये कैरी फॉरवर्ड वर्ड क्या है? कैरी फॉरवर्ड का मतलब है अगर हम किसी इस साल में किसी भी हेड के साथ सेट ऑफ नहीं कर पाए, मतलब मान लो मेरे 5 लाख का लॉस है और मेरी कोई इनकम नहीं है, तो मैं उस 5 लाख के लॉस को अगले साल ले जाऊंगा, उसको मैं क्या बोलता हूं? कैरी फॉरवर्ड करना। समझ में आया? हम लोग ये पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 9 के अंदर। नेक्स्ट पढ़ेंगे डिडक्शंस अंडर सेक्शन 80C to 80U। इसके अंदर ना इनकम टैक्स वालों ने कुछ बेनिफिट्स दिए हैं, आपको बेनिफिट्स दिए हैं कि आप आपकी इनकम अगर आप चाहते हो कि एक लीगल तरीके से टैक्स प्लान कर लो तो वो आप डिडक्शंस ले सकते हो। सेक्शन 80C तो सब लोगों ने, सारी दुनिया ने सुना है 80C, लाइफ इंश्योरेंस करा लो और पेरेंट्स करवाते हैं, FD करवा लेते हैं, PPF में जमा करवाते हैं। सर टैक्स बचाने के लिए भी प्लानिंग होती है ऐसी, और ये लीगल तरीका है, इलीगल तरीका नहीं है। तो हम लोग पढ़ेंगे सेक्शन 80C से लेकर 80U के अंदर क्या आता है, ठीक है? चैप्टर नंबर 10, तो इसमें हम टैक्स प्लान कर सकते हैं लीगल तरीके से। नेक्स्ट है इनकम एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। कुछ ऐसी इनकम्स भी होती हैं बच्चों जो इनकम्स पे टैक्स लगता ही नहीं है, हम उसको बोलते हैं इनकम एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स, जैसे कि एग्रीकल्चर इनकम। एग्रीकल्चर इनकम पे इनकम टैक्स वाले कहते हैं हमें कोई टैक्स देने की आपको जरूरत नहीं है, हम लोग मोटिवेट करते हैं, आपको एंकरेज करते हैं। तो इसी तरीके से बहुत सारी इनकम्स हैं जिनके ऊपर एग्जेम्पशंस दी गई हैं, वो बातें हम लोग इनकम एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स में पढ़ेंगे। पॉइंट नंबर 12, जो चैप्टर नंबर 12 है वो रिटर्न फाइलिंग और असेसमेंट से रिलेटेड है, यानी जब हम इनकम कमा लेते हैं बच्चों हमें ITR फाइल करनी होती है, इनकम्स को शो करना होता है। कब शो करना होता है, कौन से साल में शो करना होता है, यही सब बातें आपको डेमो क्लास में मिलेंगी बेटा, सब कुछ मिलेगा, तो आप लोग वो बातें वहां पे समझ सकते हो। रिटर्न फाइलिंग हम क्यों करते हैं ये बस समझो। इनकम टैक्स वालों ने कहा कि आपने पिछले साल जो भी पैसा कमाया था, पिछले साल जो भी टैक्स दिया था, वो सब बातें हमें एक जगह पे लिख कर दो, हम उसके लिए रिटर्न फाइल करते हैं। क्या फाइल करते हैं? रिटर्न, ITR बोलते हैं बच्चों। आप लोगों ने जरूर सुना होगा, आपके पेरेंट्स ITR भरते होंगे। असेसमेंट, सर असेसमेंट मतलब ITR फाइल करने के बाद ना इनकम टैक्स ऑफिसर आपकी इनकम्स को असेस करता है, कैलकुलेट करता है। असेसमेंट मतलब कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स, ठीक है? ये डेमो क्लासेस के अंदर मैं आपको ये वाली बातें बताऊंगा, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स, टैक्स को कंप्यूट करना। समझ में आ गई बात? तो ये वाला चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे। फिर इसके बाद एक चैप्टर है TDS, TCS एंड एडवांस टैक्स। टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, TDS मतलब टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, TCS मतलब टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स, एंड एडवांस टैक्स। गवर्नमेंट क्या कर रही है? गवर्नमेंट कह रही है कि आपसे अगले साल टैक्स नहीं लेंगे, हम उसी साल ले लेंगे जिस साल में आप कमा रहे हो। सर इंप्लॉयर को बोल दिया इनकम टैक्स वालों ने, इंप्लॉयर को बोल दिया कि इंप्लॉयर, इंप्लॉई को जब तू तनख्वाह देगा ना, सैलरी देगा ना, तो टैक्स काट के दियो उसको। इसको बोलते हैं TDS, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। पर्पस बहुत क्लियर है, ऐसा इंप्लॉयर को, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इंप्लॉयर को क्यों बोलना चाह रहा है? वो इसलिए बोलना चाह रहा है क्योंकि जब इंप्लॉयर उसको सैलरी देगा
तो टैक्स काट के देगा, तो टैक्स तो गवर्नमेंट के पास पहुंच गया। पहले क्या होता था, इंप्लॉयर पूरी सैलरी देता था, इंप्लॉई को बोला जाता था टैक्स दे के आओ, तो इंप्लॉई टैक्स नहीं देते थे क्योंकि इंप्लॉयज इतने सारे थे, बहुत सारे लोग टैक्स में चोरी करते थे। अब क्या हो गया, इंप्लॉयर देने वाले को तो कोई दिक्कत नहीं है, देने वाला पर्सन को तो 1,00,000 रुपये देने ही देने हैं। अब 1,00,000 रुपये से 10,000 रुपये काट के अगर मैं कहूं कि मैंने आपके इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को जमा करा दिया और आपको उस बात का एविडेंस दे दिया, उसको प्रूफ दे दिया कि भैया मैंने आपका टैक्स जमा करा दिया, तो जब आप ITR भर रहे होगे तो आप ये शो करोगे गवर्नमेंट को कि सर मैंने पिछले साल इतनी इनकम कमाई थी और मैंने इतना टैक्स दे दिया है इंप्लॉयर के थ्रू, TDS कट गया था मेरा। क्या कट गया था? TDS, टैक्स डिडक्टेड सोर्स। आप कभी सुनना बेटा, पेरेंट्स से जरूर डिस्कस करना, पेरेंट्स आपको जरूर इस बारे में बताएंगे, नहीं तो हम लोगों ने 13th चैप्टर में तो पढ़ना ही है TDS, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। फिर हम एक इसी के सिमिलर प्रोविजंस हैं जो मैं अभी नहीं बात करना चाहता हूं, ठीक है, क्योंकि अभी आपको समझ में नहीं आएगा, वो बात हम लोग बाद में ही करेंगे। टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स और एक होता है एडवांस टैक्स। ये सारे के सारे एडवांस टैक्स के ही रूप हैं, गवर्नमेंट आपसे एडवांस में टैक्स ले रही है, उसी साल में ले रही है जैसे जैसे आप कमाते हो, इसलिए हम इसको एडवांस टैक्स बोलते हैं। और एडवांस टैक्स हम लोगों ने पढ़ना है अगले जो हमारा चैप्टर नंबर 13 होगा। फिर इसके बाद है 14th अल्टरनेट मिनिमम टैक्स, AMT, क्या बोलते हैं हम इसको, AMT अल्टरनेट मिनिमम टैक्स। बच्चों ये इंडिविजुअल HUF के ऊपर AMT लगाया जाता है, अल्टरनेट मिनिमम टैक्स, मतलब एक मिनिमम टैक्स अल्टरनेट, मतलब अल्टरनेट का मतलब जो नॉर्मल टैक्स आप दे रहे हो ना उसके अलावा एक नया टैक्स रेट, और वो मिनिमम है, इतना तो आपको देना ही देना है, इतना तो आपको देना ही देना है। तो कुछ इसके भी कुछ कंडीशंस होती हैं, कुछ प्रोविजंस होते हैं, वो हम लोग पढ़ेंगे। और फिर ये AMT चैप्टर भी एक ही क्लास का है, आपका कवर हो जाता है। और लास्ट चैप्टर होता है कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम, जिस चैप्टर के अंदर सारी बातों का इस्तेमाल होना है, जी हाँ सारी बातों का इस्तेमाल होना है, उस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर आप टोटल इनकम सीखोगे, यानी सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, PGBP, कैपिटल गेन, अदर सोर्सेज। अगर एक इंडिविजुअल की पांचों तरह की इनकम्स दी हैं, एग्जेम्पशंस भी दिया है, डिडक्शंस भी दी हुई हैं, तो हमें कैसे टोटल इनकम कैलकुलेट करना है, ये सब बातें हम लोग 15th चैप्टर में पढ़ेंगे। तो बच्चों ये है इनकम टैक्स का कंटेंट जो 60 मार्क्स का है, ठीक है। फिर इसके बाद बात करते हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस में। देखो इसमें से एक दो चैप्टर ऐसे भी होंगे जिसका नाम आपने सुना, देख लिया, बट आपको समझ में अभी भी नहीं आया, बेटा तू चिंता नहीं करनी, वो चैप्टर के अंदर जाके ही समझ में आएगा, ठीक है। अभी हम लोग सिर्फ ओवरव्यू ले लेते हैं, ये 15 चैप्टर हो गए। फिर GST की बात करें तो 10 चैप्टर ये भी हैं, जी हाँ 10 चैप्टर, एंड ओवरव्यू ऑफ GST, GST का ओवरव्यू पढ़ेंगे पहले में, तो कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई, इसके अंदर तो ओवरव्यू ऑफ GST में ये पता चल जाएगा कि GST क्यों आया था, क्या रीजंस थे GST आने के, फिर इसके बाद GST के बेनिफिट्स वगैरह ये सब बातें होगी, ठीक है। और फिर सप्लाई की बात करेंगे, ये सप्लाई क्या चीज़ है सर, सप्लाई ना एक टैक्सेबल इवेंट है। टैक्सेबल इवेंट क्या है बेटा, मेरी अगली क्लास में मैं टैक्सेबल इवेंट के बारे में बता रहा हूँ, आप लोग देखना। टैक्सेबल इवेंट का मतलब है वो सिचुएशन जिसकी वजह से टैक्स लाइबिलिटी अराइज हो जाए। तो आज मुझे GST देना पड़ रहा है ना, आज मुझे GST देना पड़ रहा है, उसका रीज़न क्या है कि आपने कोई ना कोई गुड या सर्विस को क्या किया है, सप्लाई किया है, क्या किया है, सप्लाई किया है। तो अगर मैं किसी गुड या किसी सर्विसेज को सप्लाई करता हूं तो मैं उसके ऊपर GST पे करता हूं, ठीक है। इसीलिए हम लोगों ने वो पढ़ना है चैप्टर नंबर 2 में GST कंटेंट के अंदर, ठीक है जी। चैप्टर नंबर 3 चार्ज ऑफ GST, GST कब लगता है, किन किन चीजों पे लगता है, किन पे नहीं लगता है, इसके बारे में बात की है, चार्ज ऑफ GST। और कॉम्पोजिशन स्कीम, कॉम्पोजिशन स्कीम एक गवर्नमेंट की तरफ से एक छोटे डीलर्स के लिए स्कीम बनाई गई, जहां पे वो कुछ बेनिफिट देते हैं कि आपको रेगुलर प्रोसीजर को फॉलो करने की जरूरत नहीं है, रेगुलर कंप्लायंस को फॉलो करने की जरूरत नहीं है, आपका कंप्लायंस का बर्डन हम लोग कम कर देंगे, और कॉम्पोजिशन स्कीम आपको एक फैसिलिटी दे देंगे, आपको फिक्स रेट ऑफ GST गवर्नमेंट को पे करना होगा। नेक्स्ट चैप्टर विल बी एग्जेम्पशंस फ्रॉम GST, GST में कब कब कौन कौन से सप्लाईज हैं जो एग्जेम्प्ट होती हैं, कब कब एग्जेम्पशंस मिलती हैं, कौन कौन सी सिचुएशंस हैं जहां एग्जेम्पशंस, जी हां कुछ ऐसे सप्लाईज भी हैं, कुछ ऐसे गुड्स भी हैं, कुछ ऐसे सर्विसेज भी हैं जो एग्जेम्प्ट हैं और उस पर GST नहीं लगता, ठीक उसी तरीके से जैसे इनकम टैक्स एग्जेम्प्ट कब होता है ये बात हमने पढ़ी थी, एग्जैक्टली वैसे ही एग्जेम्पशंस फ्रॉम GST। फिर हम पढ़ेंगे टाइम एंड वैल्यू ऑफ सप्लाई, यानी वैल्यू का मतलब तो वो हो गया कि वैल्यू का मतलब किस वैल्यू पर GST देना है, टाइम का मतलब किस टाइम पर हमें GST देना है, क्या वो पॉइंट होगा जिस पॉइंट पे टैक्स अराइज हो गया होगा जिसकी वजह से हमें पता चलेगा कि हमें GST जमा कब कराना है। मतलब सेलर ने बायर को अगर कोई गुड बेचा है, बेचा किसी और डेट पर है, पैसे किसी और डेट पे लिए हैं, पैसे मतलब किसी और डेट पे लिए हैं, मुझे पैसे कभी और मिले, और जो
बिल है वो मैंने किसी और डेट पर बनाया, मतलब तीनों अलग अलग चीजें हैं, गुड्स देना अलग डेट पर, बिल अलग डेट पर, पेमेंट अलग डेट पर, जिसकी वजह से ये नहीं पता चल रहा सर कि जीएसटी सेलर को देना कब है। जी हाँ, जीएसटी सेलर बायर से लेगा और बायर से लेकर ही गवर्नमेंट को पे करता है। आप लोगों से जीएसटी लिया जाता है, आपको पता है ना, आप लोगों से जीएसटी लिया जाता है और फिर गवर्नमेंट को पे किया जाता है। बच्चों ये बातें हम लोग टाइम एंड वैल्यू ऑफ सप्लाई में पढ़ेंगे, ठीक है जी। फिर इसके बाद पढ़ेंगे इनपुट टैक्स क्रेडिट का कॉन्सेप्ट, मैं अभी आपको नहीं बताऊंगा, ये कॉन्सेप्ट आपको मेरी जीएसटी की पहली क्लास में आपको पता चल जाएगा। मैं दोनों डेमोज दूंगा आपको, पहली डेमो मेरी डायरेक्ट टैक्स की है जो मैं आपको साथ ही में इसके साथ ही अटैच करके दे रहा हूँ, आप लोग वो देखो, और फिर आप इनडायरेक्ट टैक्स की डेमो भी जरूर देखना बच्चों, जिसके अंदर आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट के बारे में छोटी सी मैंने इंट्रोडक्शन दी है, आपको समझ में आएगा। फिर इसके बाद रजिस्ट्रेशन चैप्टर है, रजिस्ट्रेशन चैप्टर में आपको यह बताया जाएगा कि जीएसटी की कब बंदे को रजिस्ट्रेशन करवानी चाहिए, उसके रजिस्ट्रेशन करवाने की कब कंडीशंस हैं जो आएंगी, कौन सी कंडीशंस पूरी होने पर रजिस्ट्रेशन उसको करानी चाहिए, कौन सी टर्नओवर पूरी होने पर उसको रजिस्ट्रेशन करानी चाहिए। टैक्स इनवॉइस, क्या टैक्स इनवॉइस है जो मेंटेन करने होंगे, डेबिट नोट क्रेडिट नोट के बारे में बात करेंगे, ई वे बिल सुना तो होगा बट अब आप पढ़ोगे इसके बारे में, ई वे बिल, जब भी गुड्स को ट्रांसपोर्ट करते हैं एक स्टेट से दूसरे स्टेट में तो वहां पर ई वे बिल बनाने की प्रोविजन है, ई वे बिल बनाना मैंडेटरी कर दिया गया है, तो इसीलिए अब वो सब बातें हम लोग डिस्कस करेंगे कानून का। और टैक्स इनवॉइस बच्चों, कौन सा इनवॉइस का क्या कंटेंट होगा, इनवॉइस कैसे बनेगा, ये सब बातें इस पर्टिकुलर कंटेंट यानी चैप्टर नंबर 8 में पढ़ना है। चैप्टर नंबर 9 में हम पढ़ेंगे पेमेंट ऑफ टैक्स, कि सर टैक्स पे करना होता है जब गवर्नमेंट को तो कैसे पे किया जाता है, उसके पे करने के भी कई तरीके हैं, हम लोग बात करेंगे चैप्टर नंबर 9 में। और लास्ट में चैप्टर नंबर 10 में हम लोग रिटर्न्स के बात करेंगे, जैसे इनकम टैक्स में इनकम टैक्स रिटर्न होता है वैसे ही जीएसटी में जीएसटी रिटर्न्स होते हैं। जीएसटी रिटर्न्स वही कि पिछले, जैसे हम लोग इनकम टैक्स में पिछले साल का दिखाते हैं ना, जीएसटी रिटर्न में हर महीने का दिखाते हैं, तो पिछले महीने आपने कितनी सेल करी थी, पिछले महीने आपने कितनी आउटपुट सेल करी, पिछले महीने में कितनी आपने टैक्स कलेक्ट करके पे कर दिया, तो वो सब बातें आपको यहां पर बतानी होती हैं। चैप्टर नंबर 10 में हम लोग रिटर्न्स में डिस्कस करेंगे। तो बच्चों ये है आपका जीएसटी का कंटेंट और ये है आपका इनकम टैक्स का कंटेंट। जीएसटी के कंटेंट में मैं जरा सा भी डेप्थ में नहीं बोल सकता हूं, इसका रीजन ये है कि पहले आपको जीएसटी जानना जरूरी है, इसलिए जीएसटी जब जान जाओगे, जो मेरी डेमो क्लास जीएसटी की देख लोगे, तब मैं आपको गारंटी कहता हूं आपको कुछ हद तक बातें आपको यहां पे समझ में आनी स्टार्ट हो जाएंगी। और जब मैं बात करता हूं इनकम टैक्स की, तो इनकम टैक्स क्यों है, इनकम टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में क्या फर्क है, यानी डायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स में क्या फर्क है, टैक्स क्या होता है, सर ये सब बातें मैं आपको डेमो क्लास में दे रहा हूं जो इसी क्लास के बाद स्टार्ट हो जाएगी। तो आई होप आप लोगों ने ये कंटेंट जरूर देख लिया होगा, आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, यही चैप्टर्स मैं आपको अपनी बुक में देने वाला हूं। और ये वाले चैप्टर्स के साथ ही, मतलब हर चैप्टर के बाद ही आपको एमसीक्यूज भी मिलेंगे बेटा, आपको एमसीक्यूज मिलेंगे, पास एग्जामिनेशन क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है, और कुछ एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करने के लिए डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है जी। तो स्टार्ट करते हैं अगली क्लास, साथ ही में अटैच्ड है हाँ, और अगर वीडियो पसंद आए लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है, बाय बाय। हेलो बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं टैक्स का लेक्चर नंबर 1। तो कोर्स को स्टार्ट करते हैं बच्चों। टैक्स के अंदर दो टैक्सेस हैं, एक होता है डायरेक्ट टैक्स और एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। तो आज जो हम लोग करने जा रहे हैं वो करने जा रहे हैं टैक्स के बारे में पहले इंट्रोडक्शन कि टैक्स होता क्या चीज है। तो व्हाट इज टैक्स बच्चों, आज जो सवाल है वो ये सवाल है कि टैक्स होता क्या है, क्योंकि देखो पहला क्वेश्चन तो यही है कि टैक्स होता क्या है। टैक्स वाला क्वेश्चन समझ में आएगा तो ही आप आगे बढ़ सकते हैं। तो टैक्स क्या होता है, आज हमारा और कोई काम नहीं है, लेक्चर नंबर 1 में सिर्फ हम लोगों ने ये पढ़ना है कि टैक्स क्या चीज है। तो बता दो, आप लोगों के दिमाग में बहुत सारी बातें आ रही होंगी कि टैक्स सर ये है, टैक्स तो हम लोगों ने सुना हुआ है, मेरे पेरेंट्स बोलते हैं हम टैक्स देते हैं। अरे भाई टैक्स देते क्यों है पहली बात, और टैक्स है क्या चीज। टैक्स गवर्नमेंट हमसे एक चार्ज लेता है, गवर्नमेंट का क्या है, रेवेन्यू है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, गवर्नमेंट का एक रेवेन्यू है। गवर्नमेंट का ये रेवेन्यू क्यों लेती है गवर्नमेंट, क्या जरूरत है गवर्नमेंट को रेवेन्यू लेने की, क्या जरूरत है गवर्नमेंट को हमसे टैक्स लेने की। अरे भाई बिल्कुल जरूरत है। आज हमारे देश में इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो रहा है, आज हमारे देश डेवलपिंग नेशंस में है, तो क्यों, कैसे, गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू आ रहा है बच्चों।
टैक्स की वजह से, ये जो टैक्स है ना टैक्स, इसकी वजह से, ये टैक्स ही है जो हमारे देश में रेवेन्यू सोर्स बना हुआ है और एक मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू होता है बच्चों, ये टैक्स जो होता है। गवर्नमेंट को रेवेन्यू मिलता है और गवर्नमेंट हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर पे, हमारे देश की डेवलपमेंट में लगाता है। तो आज गवर्नमेंट इस रेवेन्यू को कहां कहां लगाता है, जैसे कि पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। आज इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया ना गवर्नमेंट ने, आप देखो जगह जगह फ्लाईओवर्स, ब्रिजेस और इतने बढ़िया बढ़िया हाईवेज बनाए गए हैं। तो कैसे बनाए गए हैं, गवर्नमेंट के पास पैसा कहां से आता है? आप ही लोग देते हो बच्चों। कोई कहता है ना कि आप पब्लिक सेवा करो, सोशल कुछ करो, तो आपने अपने देश के लिए क्या किया? आप क्या बोलोगे? भाई टैक्स दिया, सबसे बड़ा काम है जो टैक्स दिया, देश के लिए तो दिया, जिसका फायदा कौन उठा रहा है? हम सब उठा रहे हैं। आज आप चाहे 100 रुपए कंट्रीब्यूट कर रहे हो टैक्स, चाहे आप 1000 दे रहे हो, चाहे आप 1,00,000 रुपए दे रहे हो, जितना अमाउंट दे रहे हो उतना ही बेनिफिट आपने पब्लिक को दिया है। तो क्यों नहीं दिया भाई? मुकेश अंबानी कहते हैं कि मुकेश अंबानी डोनेट नहीं करता। अरे भाई, जो वो टैक्स दे रहा है वो डोनेशन ही है, टैक्स इज अ डोनेशन, टैक्स गवर्नमेंट को ही तो दे रहा है वो पैसा, और गवर्नमेंट हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए लगा रही है। तो देखा जाए तो इनडायरेक्टली तो पब्लिक के लिए ही हो रहा सब कुछ। इज दैट क्लियर बच्चों? तो गवर्नमेंट रेवेन्यू पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए लगता है। और कहां लगता है गवर्नमेंट रेवेन्यू? गवर्नमेंट रेवेन्यू डिफेंस में लगता है। आज हमारी डिफेंस स्ट्रांग है ना, डिफेंस सिस्टम स्ट्रांग है, आज हमारे पास डिफेंस में बहुत बहुत अच्छे इक्विपमेंट्स हैं। तो कैसे आया? गवर्नमेंट के पास जो टैक्स आया, टैक्स का पैसा ही डिफेंस में लगाया गया बच्चों। डिफेंस के अलावा और क्या है गवर्नमेंट के पास, जो गवर्नमेंट ने कहां कहां और लगाती है? सर बीओपी, ये तो बहुत बड़ी दिक्कत है, बैलेंस ऑफ पेमेंट। हमारे इंपोर्ट बहुत ज्यादा होते हैं बच्चों एक्सपोर्ट से, जिस रीजन की वजह से हमारा एक डेफिसिट होता है और वो हमें पे करना होता है। गवर्नमेंट इंपोर्ट ज्यादा करती है, एक्सपोर्ट कम करती है, जिसकी वजह से हमारी लाइबिलिटीज बहुत है। और ये एक रीजन है, तो हमारा सारा पैसा इन जगहों पे लग जाता है। तो गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू है वो इन्हीं चीजों में, वर्ल्ड बैंक से लोन लिया हुआ है, वर्ल्ड बैंक को लोन चुकाना है, देश का डेवलपमेंट हो गया, और भी बहुत सारी चीजें। तो हमारा देश आज तरक्की पर है तो वो एक ही रीजन से, एक ही कारण से, वो है टैक्स। बच्चों आपको पता है हमारे देश में आईटीआर फाइलिंग भी पहले से बढ़ गई है। पहले सिर्फ 3-4% लोग आईटीआर फाइल करते थे, आज से 2 साल पहले, अब 2 साल नहीं ज्यादा हो गया टाइम, 3-4 साल पहले ये स्टैटिस्टिक्स मैंने देखा था, और आज ये बढ़ के करीब 19% हो गया है, यानी 19% लोग आईटीआर फाइलिंग कर रहे हैं। अब देखो ये स्टैटिस्टिक्स चेंज हो गया है, इससे हमारे देश को बहुत फायदा हो रहा है। आप चाहे भले ही 100 रुपए दे रहे हो, बट 100 रुपए भी बहुत होते हैं गवर्नमेंट के लिए, क्योंकि गवर्नमेंट वो पैसा लगा रही है इन जगहों पर। पुलिस वालों को पैसा मिलता है, तो पुलिस, हमारा पूरा पुलिस का जो रेम्यूनरेशन है वो कहां से जाता है बच्चों? गवर्नमेंट के पास से जाता है, टैक्स जाता है। इनफैक्ट पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में ही आप ऐड कर सकते हो, एजुकेशन के लिए स्कूल्स, गवर्नमेंट स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, ये इंफ्रास्ट्रक्चर में ही आ गए। वैसे समझ में आ रहा है बच्चों? तो ये गवर्नमेंट रेवेन्यू। आप देखो गवर्नमेंट रेवेन्यू भी जो है वो कितने टाइप के हैं? दो। गवर्नमेंट रेवेन्यू कितने टाइप के हैं? तो एक है डायरेक्ट टैक्स, दूसरा है इनडायरेक्ट टैक्स। आज हम लोग दोनों के बारे में बात करेंगे, पढ़ेंगे अभी डायरेक्ट टैक्स, बट डिस्कस हम लोग दोनों करें, यही क्वेश्चन है, ज्यादा देर नहीं लगानी आज के लेक्चर में, हम लोगों ने यही पढ़ना। बताओ डायरेक्ट टैक्स क्या होता है और इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? डायरेक्ट टैक्स वो होता है जिसका बर्डन, टैक्स बर्डन कैनॉट बी शिफ्टेड। डायरेक्ट टैक्स में आप टैक्स बर्डन शिफ्ट नहीं कर सकते हो बच्चों। आप अगर चाहो, आप ये नहीं कह सकते किसी को कि भाई तेरा कोई दोस्त है, इनकम मैंने कमाई है तो मैं ही टैक्स दूंगा या मेरा दोस्त देगा टैक्स? मैं ही तो दूंगा, सिंपल है, मैंने कमाया पैसा तो मुझे ही टैक्स देना है, सिंपल सी बात। मुकेश अंबानी पैसा कमा रहा है, मुकेश अंबानी कह रहा है अनिल अंबानी को, भाई को अपने, यार टैक्स दे दे यार मेरा। कमा कौन रहा है तू? टैक्स कौन देगा? तू, ऑब्वियसली मैं क्यों दू? अनिल अंबानी कहेगा पहले ही मेरे को बहुत घोटाला हो गया यार, पहले ही बहुत नुकसान हो गया, ऊपर से तू टैक्स मांग रहे,
शर्म नहीं आती सर? टैक्स जो होगा दैट बर्डन कैनॉट बी शिफ्टेड, और जहां पे भी बर्डन शिफ्ट नहीं किया जा सकता ना उसको डायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। इसका इसका पहला और सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है इनकम टैक्स। इसके अलावा भी है, हम लोग लिखेंगे। इनडायरेक्ट टैक्स क्या है फिर? इनडायरेक्ट टैक्स में और डायरेक्ट टैक्स में फर्क ये है बच्चों कि टैक्स बर्डन कैन बी शिफ्टेड। इज दैट क्लियर बच्चों? टैक्स बर्डन यहां शिफ्ट नहीं कर सकते हैं और यहां पर डायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स में टैक्स बर्डन शिफ्ट कर सकते हैं। मतलब अगर मैं चाहूं मेरा गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स तो मैं किससे मांगूंगा? मेरे ऊपर है जीएसटी, मैं किससे मांगूंगा? आगे वाले बंदे से जिसको मैं बेच रहा हूं सामान। तो आप कोई दुकानदार से सामान खरीदने जाते हो बच्चों, 100 रुपए का सामान है, दुकानदार कहता है इस पर जीएसटी लगेगा 10%। एग्जाम्पल ले रहा हूं बच्चों, प्लीज जीएसटी के रेट को इग्नोर करना, इजी करने के लिए 10% लिखता हूं हमेशा, 110। आप लोगों ने कितना प्राइस भरा बच्चों? 110, 110 रुपीज, जिसमें 10 रुपए जीएसटी है बच्चों। तो 10 रुपए का जीएसटी और 100 रुपए का प्राइस, टोटल आपने 110 रुपए दिए। तो बेसिकली उस दुकानदार ने अपना बर्डन शिफ्ट कर दिया किस पर? आपके ऊपर। अच्छा, ये चेन है बच्चों, मैन्युफैक्चरर ने पहले सबसे पहले गुड बनाया होगा, मैन्युफैक्चरर ने होलसेलर पे वो लायबिलिटी डाल दी टैक्स की, उसने होलसेलर से ले लिया होगा, होलसेलर ने रिटेलर से लायबिलिटी ले ली, रिटेलर ने अल्टीमेटली कंज्यूमर से लायबिलिटी ले ली। तो बेसिकली गया किसकी जेब से? कंज्यूमर। इट इज एन इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स में हम बर्डन क्या कर देते हैं? शिफ्ट कर देते हैं दूसरी पार्टी पर, उससे पैसा कमाते हैं। अब आपके दिमाग में आएगा, सर सर कमा अगर ये बंदा रहा है तो यही क्यों नहीं टैक्स दे देता अपनी जेब से? अरे भाई, अगर ये 100 रुपए में से 10 रुपए देगा तो सोचो इसका जो कमाई है, मान लो इस 100 रुपए के अंदर इसका मार्जिन जो है वो 10 रुपए का, कितने रुपए का मार्जिन है? 10। अब ये 10 रुपए के मार्जिन में से 10 रुपए खुद ही दे देगा अगर गवर्नमेंट को, तो कमाएगा क्या ठुल्लू? अरे भाई, कमाना भी तो है, पैसे नहीं कमाएगा क्या? कमाएगा, मार्जिन 10 रुपए का है तो भाई 10 रुपए तो कमाएगा। इसलिए जो भी उसके ऊपर टैक्सेस लगेंगे वो किस पर शिफ्ट कर देगा? आप लोगों के ऊपर बच्चों, कंज्यूमर के ऊपर, जो बेसिकली कंज्यूम कर रहे हैं। इज दैट क्लियर बच्चों? नंबर दो, इट फॉलोज प्रोग्रेसिव कॉन्सेप्ट। क्या फॉलो करता है? प्रोग्रेसिव कॉन्सेप्ट। प्रोग्रेसिव कॉन्सेप्ट का मतलब इनकम ज्यादा टैक्स ज्यादा, इनकम कम टैक्स भी कम। समझ में आ रहा है बच्चों? अगर आप आज इनकम ज्यादा कमाते हो तो टैक्स भी आपको ज्यादा देना पड़ेगा। इनकम ज्यादा टैक्स भी ज्यादा, इनकम कम टैक्स भी कम। हाँ, इसका एक सिंपल सा एग्जांपल है। मुकेश अंबानी जितनी इनकम पे टैक्स देता होगा, क्या मैं उतनी देता हूंगा? नहीं। अंबानी ज्यादा कमाता है तो टैक्स ज्यादा देता है, मैं कम कमाता हूं तो मैं टैक्स कम देता हूं। सिंपल, टैक्स तो देना है, बट कमा जो ज्यादा रहेगा वो ज्यादा टैक्स देगा। बट क्या जीएसटी में ऐसा होता है बच्चों? नहीं बच्चों, जीएसटी में बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता। जीएसटी में इनकम तुम्हारी, तुम अमीर हो या गरीब, इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, जीएसटी आपको उतना ही देना। सो इट फॉलोज रिग्रेसिव कॉन्सेप्ट। मतलब इनकम ज्यादा हो या कम हो, टैक्स विल रिमेन द सेम, टैक्स सेम रहेगा। आओ एक एग्जांपल लेते हैं। एक कंज्यूमर, मान लेते हैं कंज्यूमर के दो तरह के कंज्यूमर्स हैं। मान लो आप एक रिक्शे वाला है और वो जाता है, रिक्शे वाले को छोड़ो, एक बहुत अमीर पर्सन है, बीएमडब्ल्यू में कार में से उतरता है और जाके एक पेन लेने जाता है स्टेशनरी शॉप पर। पेन है 10 रुपए का, उसपे उसके अंदर ही एमआरपी होता है ना। ये एमआरपी का मतलब क्या होता है बच्चों? मैक्सिमम रिटेल प्राइस इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस। तो जीएसटी इसके अंदर ही होगा। तो आपने मान लो इसके अंदर 1 रुपए का जीएसटी भी है इसी के अंदर, तो आपने 10 रुपए दे दिए,
क्या BMW वाले से वो स्टेशनरी वाला इंसान ये कहेगा, नहीं सर आपके लिए तो पेन 1000 रुपए का है, बताओ क्यों? अमीर हो, दे सकते हो, आपके लिए तो ये 1000 रुपए 10 रुपए के बराबर है, ऐसा थोड़ी ना होता है यार, बताओ ऐसा होता है क्या? नहीं तो क्या टैक्स बढ़ा देगा गवर्नमेंट क्योंकि अमीर है? नहीं। अच्छा उसी केस में, उसी सिनारियो में अगर एक रिक्शे वाला आता है, वो जाता है स्टेशनरी वाले के पास और कहता है कि सर मुझे एक पेन चाहिए, वही 10 रुपए का पेन, क्या स्टेशनरी वाला क्या करेगा? उसको देख के कहेगा यार तू 1 रुपए ही दे दे यार, ऐसे 1 रुपए दे दे, कोई नहीं गवर्नमेंट भी टैक्स कम कर देगा? नहीं करेगा भाई, सिंपल, टैक्स विल रिमेन द सेम, इनकम ज्यादा हो या कम, तुम अमीर हो या गरीब फर्क नहीं पड़ता, टैक्स अमीर को भी उतना देना है और गरीब को भी उतना देना है, अगर मैं कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं। हाँ अगर मैं दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू लगा सकता हूं वो ये बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से, बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बिजनेस करता हूं, ज्यादा बिजनेस करता हूंगा, ज्यादा सेल करता हूंगा तो ऑब्वियसली ज्यादा GST देता हूंगा, बट मैं कौन सा अपनी जेब से दे रहा हूं बच्चों, मैं तो आप ही से लेकर दे रहा हूं, तो अल्टीमेटली दे कौन रहा है? कंज्यूमर। तो कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से ही आपको ये समझना चाहिए, तो कंज्यूमर अमीर हो या गरीब इससे फर्क नहीं पड़ता, टैक्स जो है उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट पर, उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट पर मैंने कहा, उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट पर सेम रहेगा। आप पूरे साल की कंजम्पशन देखोगे, पूरे दिन में और भी चीजों की कंजम्पशन देखोगे, तो उस अकॉर्डिंगली तो हो सकता है कि वो BMW वाले पर्सन ने ज्यादा ही टैक्स दिया हो, है ना? मेरे कहने का मतलब, मैं एक BMW वाला पर्सन, मेरे पास BMW कार है, मैं अमीर इंसान हूं, 1000 करोड़ की टर्नओवर है, बहुत बढ़िया काम है। अब ऐसे केस में मैं सामान भी तो महंगे लेता हूँ, सामान महंगे लेता हूँ तो GST भी तो ज्यादा देता हूँ, तो उस गरीब के कंपैरिजन में तो मैं ज्यादा ही टैक्स गवर्नमेंट को देता हूँ। ऐसे देखोगे तो यस, अमीर वाला टैक्स ज्यादा दे रहा है, गरीब वाला टैक्स कम दे रहा है, इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे। बट अगर एक प्रोडक्ट के लिए देखोगे, क्योंकि GST हर प्रोडक्ट पे लगता है, तो एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट वाइज देखोगे तो मैं इसको रिग्रेसिव कॉन्सेप्ट बोलूंगा। इसीलिए बच्चों थोड़ा सा इसके ऊपर काफी डिबेटेबल पॉइंट है कि इसको सिर्फ रिग्रेसिव बोला जाए या पार्शली रिग्रेसिव बोला जाए। पार्शली रिग्रेसिव वर्ड ही नहीं है बच्चों, इसीलिए रिग्रेसिव कॉन्सेप्ट बोलना ज्यादा बेटर है। तो प्रोग्रेसिव कॉन्सेप्ट का मतलब है इनकम ज्यादा टैक्स ज्यादा, इनकम कम तो टैक्स कम। रिग्रेसिव वर्ड बेटर है कि इनकम कम हो या ज्यादा हो, टैक्स जो है वो सेम ही रहेगा, एक अमीर को भी उतना ही टैक्स पे करना है, गरीब को भी टैक्स उतना ही पे करना है। नंबर 3, इनडायरेक्टली अफेक्ट्स द प्राइस ऑफ कॉमोडिटी। जो डायरेक्ट टैक्स है ना बच्चों, वो प्राइस ऑफ कॉमोडिटी पे इफेक्ट मारता है, उसको चेंज करता है, उसको हिलाता है। अब कैसे कैसे चेंज कर सकता है कॉमोडिटी के प्राइस को, आपको ये समझना है कि डायरेक्ट टैक्स से कॉमोडिटी के प्राइस में कैसे चेंजेस आ सकते हैं। जैसे कि अगर इनकम टैक्स आज गवर्नमेंट ने बढ़ा दिया, मान लो इनकम टैक्स पहले गवर्नमेंट 20% लेता था, अब उसने 30% कर दिया, तो इनकम टैक्स बढ़ाने से आपकी परचेजिंग पावर पे इंपैक्ट आएगा। परचेजिंग पावर कम होगी तो जो डिमांड आप कर रहे हो नॉर्मल गुड्स की, लग्जरी गुड्स की, वो कम कर दोगे। डिमांड कम करोगे तो सप्लायर भी क्या करेगा, सप्लायर को प्राइसेस क्या करने पड़े जाएंगे, कम करने पड़ जाएंगे बच्चों। सप्लायर प्राइसेस कम कर देगा सो दैट डिमांड वापस अप हो जाए। इनवर्स रिलेशनशिप होता है ना बच्चों, प्राइस और डिमांड, प्राइस और डिमांड, प्राइस कम डिमांड ज्यादा, प्राइस ज्यादा डिमांड कम, बट वो तब तब जब सप्लाई कॉन्स्टेंट हो। अब मेरे कहने का मतलब यहां पर यह है कि इनकम टैक्स अगर बढ़ जाए तो उससे परचेजिंग पावर पे इंपैक्ट आएगा, परचेजिंग पावर की वजह से आप अपना डिमांड कम कर दोगे, डिमांड कम करोगे तो प्राइसेस भी क्या हो जाएगा कम। मैं यहां पर जो गुड्स की बात कर रहा हूं बच्चों, जिन गुड्स की डिमांड की बात कर रहा हूं वो नॉर्मल या लग्जरी गुड्स हो सकते हैं, नेसेसिटी गुड्स की बात नहीं कर रहा क्योंकि वो तो एक्सेप्शन है। इनकम टैक्स कम हो जाए तो परचेजिंग पावर क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। परचेजिंग पावर बढ़ गई, आपके पैसा ज्यादा होगा ना, आपके हाथ में पैसा ज्यादा होगा तो क्या होगा, डिमांड भी ज्यादा करोगे, डिमांड ज्यादा करोगे तो सप्लायर, सप्लाई तो हर चीज की स्कार्स होती है ना, तो सप्लाई अगर स्कार्सिटी में है या कॉन्स्टेंट है तो प्राइसेस को क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा, सो दैट डिमांड क्या हो जाए, डिक्रीज और इक्विलिब्रियम आ जाए। डिमांड और सप्लाई जहां पर मीट करता है उसको हम लोग कौन सी पोजिशन बोलते हैं, इक्विलिब्रियम पोजिशन, है कि नहीं? तो कॉमोडिटी के प्राइसेस पे इंपैक्ट डालता है इनकम टैक्स, डायरेक्ट टैक्सेस।
इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने की ये पॉलिसी है। आप लोगों ने इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा ना बच्चों, फिस्कल पॉलिसी। क्या थी वो फिस्कल पॉलिसी, कुछ याद है? फिस्कल पॉलिसी यही थी बच्चों, टैक्स इंक्रीज हो जाए, टैक्स इंक्रीज करने से आपकी पावर, परचेजिंग पावर कम हो जाएगी, जिसकी वजह से डिमांड कम होगी और प्राइसेस कम करने पड़ जाएंगे। इज दैट क्लियर बच्चों? तो ये है जैसे कि फिस्कल पॉलिसी, आप लोगों ने इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए दो तरह की पॉलिसीज पढ़ते थे, फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी यही है। बट कोई भी सरकार, कोई भी गवर्नमेंट ऐसा नहीं करेगी कि इनकम टैक्स बढ़ा देगी क्योंकि इन्फ्लेशन कंट्रोल करना है। नहीं, क्यों? क्योंकि अगर इनकम टैक्स बढ़ा देगी भैया, अगले 5 साल के बाद फिर से तो आना है, नहीं आना? नहीं तो अगले 5 साल के बाद तो वो आएंगे ही नहीं, आ ही नहीं पाएंगे। इज दैट क्लियर? तो बच्चों थर्ड, अगर मैं इधर देखूं तो इट डायरेक्टली अफेक्ट द प्राइस ऑफ कॉमोडिटी। तो बच्चों डायरेक्टली अफेक्ट करता है कॉमोडिटी का प्राइस। डायरेक्टली कैसे करता है? सर अगर आज जीएसटी बढ़ जाए तो कॉमोडिटी का प्राइस बढ़ जाएगा या नहीं बढ़ जाएगा, बताओ? ये देखो प्राइस है 100 रुपए, जीएसटी का रेट है मान लो 10%, तो कितना हुआ? 110। जीएसटी का रेट 20% हो जाता है तो प्राइस कितना हुआ? 120। यानी अगर जीएसटी बढ़ गया तो प्राइस बढ़ गया, जीएसटी कम तो प्राइस कम। समझ में आ रहा है बच्चों? तो डायरेक्ट टैक्स डायरेक्टली इंपैक्ट करता है, इनडायरेक्टली इंपैक्ट करता है प्राइस की, कॉमोडिटी के प्राइस को, जबकि इनडायरेक्ट टैक्स डायरेक्टली इंपैक्ट करता है क्योंकि वो लगता ही या तो गुड पर है या सर्विस पे लगता है। तो कॉमोडिटी के प्राइस पे भी इंपैक्ट करता है, इनफैक्ट सर्विस के प्राइस को भी चेंज कर देगा। इज दैट क्लियर? आगे आ जाते हैं बच्चों। डायरेक्ट टैक्सेस को मैनेज करने के लिए हमारे देश में जो अथॉरिटी है उसका नाम है CBDT। क्या नाम है? CBDT। ये वो अथॉरिटी है जो हमारे देश में डायरेक्ट टैक्सेस को मैनेज करती है बच्चों। तो हमारे देश में डायरेक्ट टैक्सेस को मैनेज करने के लिए जो अथॉरिटी है उसको क्या बोलते हैं? CBDT। यार कोई तो ऐसा पढ़ा लिखा, पढ़ी लिखी बोर्ड होना चाहिए, पढ़ा लिखा एक मैनेजमेंट होनी चाहिए जो ये देख पाए कि डायरेक्ट टैक्सेस में क्या करना है, हमें क्या नहीं करना। भाई प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी थोड़ी ना बताएंगे, वो नहीं बता पाएंगे, वैसे भी उनको बहुत सारे और काम होते हैं, उनको और सारी चीजों के एग्जीक्यूशन देखने हैं। इज दैट क्लियर? बट डायरेक्ट टैक्सेस में अगर आज आप ये चाहते हो कि कोई ऐसे मैनेजमेंट हो जो सिर्फ इन्हीं चीजों पर फोकस करके काम करती हो, तो वो है CBDT। CBDT हमारे देश का ही बोर्ड है, सेंट्रल गवर्नमेंट का बोर्ड। इसका ना फुल फॉर्म है, मैं इसको अगले पेज पे लिखता हूं बच्चों। CBDT की फुल फॉर्म लिखेंगे प्लीज, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, CBDT। हमारे देश का सेंट्रल गवर्नमेंट का बोर्ड, सेंट्रल बोर्ड, जब भी सेंट्रल वर्ड आ जाए ना इसका मतलब क्या है? सेंट्रल गवर्नमेंट। इसको कौन चलाता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। और इनडायरेक्ट टैक्सेस में कौन मैनेज करता है बताओ? इनडायरेक्ट टैक्सेस में, अरे पीछे आगे भी जगह थी, यहां पर भी जगह थी, मैं यही लिख देता हूं यार, CBDT की फुल फॉर्म यही लिख देता हूं, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। ठीक है बच्चों? और इसी तरीके से इनडायरेक्ट टैक्सेस मैनेज करने के लिए भी तो कोई बोर्ड होना चाहिए। बिल्कुल है बच्चों, इसका नाम है CBIC, जो इनडायरेक्ट टैक्सेस में मैनेज करता है। इसकी फुल फॉर्म है सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स। तो डायरेक्ट टैक्सेस के लिए जैसे एक बोर्ड है सेंट्रल बोर्ड, वैसे ही हमारे देश में एक सेंट्रल बोर्ड है इनडायरेक्ट टैक्सेस के लिए। इनडायरेक्ट टैक्सेस, GST इसी के अंदर आ जाएगा, और कस्टम लॉ,
कस्टम लॉ को भी इसी के अंदर कवर अप करें। इज दैट क्लियर? नाउ इस बोर्ड का पहले नाम, इस बोर्ड का पहले नाम कुछ और था, CBEC, अर्लियर कॉल्ड एस। जब जीएसटी आया ना बच्चों, तो इस बोर्ड का नाम चेंज करना पड़ा। इस बोर्ड का नाम था सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम, क्योंकि अब एक्साइज रहा नहीं, जीएसटी आ गया है, तो जीएसटी की जगह पे इन्होंने आई इंट्रोड्यूस कर दिया, विच इज इनडायरेक्ट टैक्सेस, और कस्टम को वैसे ही रहने दिया। समझ में आ गया? नाउ आज जो एग्जांपल्स पर लिखते हैं, एग्जांपल्स क्या होंगे डायरेक्ट टैक्सेस में? तो डायरेक्ट टैक्सेस में क्या एग्जांपल्स होंगे? इनकम टैक्स, हाउस टैक्स, जो आप प्रॉपर्टी पर टैक्स पे करते हो ना बच्चों, आपके पेरेंट्स पे करते होंगे हाउस टैक्स, रजिस्टर्ड एरिया में, रजिस्टर्ड एरिया में, रजिस्टर्ड लोकेशन पे आपको गवर्नमेंट को एक टैक्स देना पड़ता है, जो एमसीडी आपकी दिल्ली में तो एमसीडी है, बाहर दूसरे एरियाज में हर जगह पे एक म्युनिसिपल कॉरपोरेशन होता है, वो लोग टैक्स देते हैं। जैसे बॉम्बे में बॉम्बे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है, हर जगह पे एक अपना म्युनिसिपल अथॉरिटी होगी, वो लोग टैक्स लेते हैं, हाउस टैक्स बोलते हैं उसको। तो हाउस टैक्स भी कौन पे करेगा? जिसका घर होगा, तो इट इज ऑल्सो अ डायरेक्ट टैक्स। कॉरपोरेट टैक्स, कॉरपोरेट टैक्स क्या होता है? कंपनीज को, हमारे देश में कंपनीज को मैट देना पड़ता है बच्चों, जिसको बोलते हैं मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स। ये होता क्या है, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे हमारे कोर्स में, मैट के बारे में हम बाद में डिस्कस कर पाएंगे, बट कॉरपोरेट टैक्स जो कंपनीज को टैक्स चुकाना होता है, उसको कॉर्पोरेट टैक्स बोलते हैं। समझ में आता है बच्चों? तो ये वो एग्जांपल्स हो गए डायरेक्ट टैक्स के लिए। और इनडायरेक्ट टैक्सेस में सबसे प्राइम, सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, यानी जीएसटी। इसके अलावा सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी। बच्चों वैट आपने नाम सुना होगा, वैल्यू एडेड टैक्स, सेंट्रल सेल्स टैक्स, और बस मेरे ख्याल से सर्विस टैक्स लिखने की जरूरत नहीं है। हालांकि सीएसटी की भी अब कोई जरूरत नहीं है, सीएसटी भी खत्म हो गया। मेरे कहने का मतलब है, मैंने वो सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस लिख दिए जो फिलहाल के लिए जो एक्टिव हैं। वैट भी कुछ प्रोडक्ट्स पे लग रहा है बच्चों, हम लोग बाद में पढ़ेंगे किन किन प्रोडक्ट्स पे लग रहा है। सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी भी फिलहाल लग रहा है कुछ प्रोडक्ट्स पर। कस्टम ड्यूटी तो लगता ही है, कस्टम ड्यूटी कोई चेंज नहीं है। कस्टम ड्यूटी कब लगता है पता है? इंपोर्ट एक्सपोर्ट पर। जब भी हम कोई गुड्स इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करते हैं, उस पर हमें गवर्नमेंट को क्या देना पड़ता है? कस्टम ड्यूटी। गुड्स एंड सर्विस टैक्स तो आप लोग जानते हैं, जब भी हम लोग कोई पर्टिकुलर गुड या सर्विस को सप्लाई करते हैं, हम उस पर जीएसटी पे करते हैं। नाउ सप्लाई वर्ड मैंने क्यों बोला, इसके बारे में हम बाद में इलाबोरेट करेंगे, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। अभी बिल्कुल ना, बिल्कुल फ्रीडम से पढ़ना, उड़ते उड़ते टेंशन फ्री होके। कर क्या रहे? सिंपल सी बात, सर क्या पढ़ा हमने? टैक्स। सर क्या पढ़ा टैक्स के अंदर? बेटा टैक्स क्या होता है? टैक्स क्या होता है? व्हाट इज टैक्स? तो बच्चों ने बताया टैक्स एक गवर्नमेंट का रेवेन्यू है। सर टैक्स गवर्नमेंट का एक चार्ज है, गवर्नमेंट हमसे लेती है। क्यों लेती है? गवर्नमेंट को क्या लेने की जरूरत है? बेटा जितना भी आज इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो रहा है, डिफेंस है, एजुकेशन है, हॉस्पिटल है, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स जो हमें पे करनी है, ये सारा का सारा खर्चा कहां से होता होगा? गवर्नमेंट के रेवेन्यू से, यानी टैक्स से। अब गवर्नमेंट को जो रेवेन्यू आता है वो दो सोर्सेस से आता है, डायरेक्ट टैक्स और एक इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स जिसका बर्डन हम लोग क्या कर सकते हैं, जिसका बर्डन हम शिफ्ट नहीं कर सकते। इनडायरेक्ट टैक्सेस जिसका बर्डन हम शिफ्ट कर सकते हैं दूसरी पार्टी पर। डायरेक्ट टैक्स में प्रोग्रेसिव कॉन्सेप्ट है, यानी ज्यादा इनकम ज्यादा टैक्स, ज्यादा प्रोग्रेस ज्यादा टैक्स, कम प्रोग्रेस कम टैक्स। जबकि इनडायरेक्ट टैक्सेस में रिग्रेसिव कॉन्सेप्ट है, इनकम अमीर हो या गरीब हो आप लोग, फर्क नहीं पड़ता, टैक्स विल रिमेन द सेम। नंबर तीन, डायरेक्ट टैक्स इट इनडायरेक्टली अफेक्ट द प्राइस ऑफ द कमोडिटी।
टैक्स से इनकम प्राइस पर फर्क पड़ता है, जैसे इनकम टैक्स अगर बढ़ जाए तो परचेजिंग पावर लोगों की कम हो जाएगी, डिमांड कम हो जाएगी, जिसकी वजह से सप्लायर को प्राइसेस भी क्या करने पड़ेंगे, कम करने पड़ेंगे, सो दैट डिमांड अप हो जाए। इनकम टैक्स अगर कम हो जाए तो परचेजिंग पावर बढ़ जाएगी, डिमांड ज्यादा हो जाएगी, तो सप्लायर को प्राइसेस बढ़ाने पड़ेंगे सो दैट डिमांड कम हो जाए और डिमांड और सप्लाई एक जगह पे जाके मीट कर जाए। जबकि इनडायरेक्ट टैक्सेस में वो डायरेक्ट इंपैक्ट करता है कॉमोडिटी के प्राइस को, जीएसटी बढ़ गया प्राइस बढ़ गया, जीएसटी कम प्राइस कम। अब आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा, सर आप लोगों ने तो आपने और भी एग्जांपल्स लिखवाए हैं, तो क्या जीएसटी के अलावा जो चीजें आपने बताई हैं क्या उनके सबके साथ ऐसा होता होगा? बिल्कुल सही बात, बिल्कुल ऐसा ही होता है। जीएसटी के अलावा मैंने जो लिखवाया है वो लिखवाया है वैट, कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी। जी हाँ बिल्कुल, वैट, कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी, इन सब में ऐसा होता है। इनका भी इंपैक्ट किस पे आता है? प्राइसेस पर आता है। इज दैट क्लियर बच्चों? अब डायरेक्ट टैक्सेस को मैनेज करने के लिए कौन सी अथॉरिटी है? सीबीडीटी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। और इनडायरेक्ट टैक्सेस को अथॉरिटी कौन सी है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स, सीबीआईसी। बेटा ये याद करना है, याद करना है, ये आज ही निपटा देना है बेटा। जो मैं आज करवा रहा हूं ये दो नंबर का क्वेश्चन है, दो नंबर का, सीए हो, सीएसओ या सीएमए एग्जाम्स हो, सब में आता है, दो नंबर का क्वेश्चन आ चुका है। पांचों पॉइंट्स पता होने चाहिए मैक्सिमम। अब दो नंबर का आया, पांच नंबर का भी आ सकता है, चार नंबर का भी आ सकता है, तो इसलिए हम लोग रेडी रहेंगे। इज दैट क्लियर? तो पांच नंबर के लिए हम लोग तैयारी करके चल रहे हैं। पांच नंबर का मैंने आपको लिखवा दिया है, दो नंबर, तीन नंबर, चार नंबर, जो भी आएगा आप लोग कर सकते हो, पांच से ऊपर कभी नहीं आ सकता। इज दैट क्लियर? डायरेक्ट टैक्सेस के एग्जाम्पल में इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, हाउस टैक्स याद करना है। इनडायरेक्ट टैक्सेस में जीएसटी, वैट, एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है बच्चों, अब एक और टॉपिक कर लेते हैं बच्चों, जो मैं थोड़ा सा और डिस्कस करना चाहता हूँ। एक तो ये क्वेश्चन हो गया टैक्स क्या होता है, गवर्नमेंट का रेवेन्यू के बारे में। इसके अलावा एक टॉपिक और मैं करवाना चाहता हूं, आओ नोट करते हैं बच्चों। अब आप लोगों ने देखा कि मैंने आपको बोला कि सर जो एग्जांपल्स हैं, जीएसटी, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, वैट, सर ये कब लगते हैं? इसी को बताने के लिए मैं आपको अगला टॉपिक पढ़ रहा हूं, विच इज टैक्सेबल इवेंट। सो बच्चों, टैक्सेबल इवेंट क्या चीज है? टैक्सेबल इवेंट का मतलब क्या होता है? एन इवेंट और सिचुएशन विच गिव्स राइज टू टैक्स लाइबिलिटी इज कॉल्ड एज टैक्सेबल इवेंट। कोई भी ऐसी इवेंट, कोई भी ऐसा सिचुएशन जिसकी वजह से टैक्स लाइबिलिटी अराइज हो जाए उसको हम टैक्सेबल इवेंट कहते हैं। कोई ऐसी सिचुएशन हुई जिसकी वजह से आपको वो टैक्स पे करना पड़ गया उसको हम टैक्सेबल इवेंट कहते हैं। जैसे मैं कुछ टैक्सेबल इवेंट्स के बारे में बात करता हूं। पहले मैं यहां लिखता हूं टैक्स और फिर इसका इवेंट लिखता हूं, जैसे कि इनकम टैक्स। आप लोगों को इनकम टैक्स पे करना है बच्चों। क्यों पे करना है? जितने भी लोग टैक्सेबल इनकम कमा रहे हैं, टैक्सेबल इनकम हमारे देश में पता क्या होती है? जब आप 2.5 लाख रुपए से ज्यादा कमाते हैं उसको टैक्सेबल इनकम कहते हैं। 2.5 लाख, हां जी हां, 2.5 लाख। आज हम लोग पढ़े, आज नहीं, नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे टैक्स रेट्स के बारे में भी पढ़ेंगे बहुत जल्द। तो टैक्सेबल इनकम, अर्निंग, टैक्सेबल इनकम इज योर इवेंट। मतलब जैसे ही आपने 2.5 लाख से ज्यादा इनकम क्रॉस करी,
आपको क्या पे करना पड़ेगा? इनकम टैक्स. दिस इज टैक्स, दिस इज इवेंट. इस रीजन की वजह से टैक्स लग रहा है, इस इवेंट की वजह से टैक्स लग रहा है. ये जो इवेंट है ना, इसकी वजह से टैक्स लग रहा है. बात करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स की. ये हमें पे क्यों करना पड़ता है? इसका रीजन है सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज. ये एक इवेंट है बच्चों, जिसकी वजह से आपको जीएसटी पे करना पड़ता है. तो आज कोई पूछेगा जीएसटी क्यों पे करना पड़ता है? क्योंकि गवर्नमेंट ने बोला है कि गुड्स और सर्विसेज सप्लाई करने पर आपको क्या पे करना है? जीएसटी. अब ये बातें लिखी कहां है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा. संविधान में सब कुछ लिखा है तो ये क्यों नहीं लिखा होगा? संविधान समझते हो, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. हर चीज आज गवर्नमेंट के पास जो भी पावर है वो सब चीजें कहां से मिलती हैं? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से. समझ में आता है बच्चों? तो सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज की वजह से जीएसटी पे करना पड़ता है, ये बात कहां लिखी है मैं आपको बाद में बताऊंगा. नेक्स्ट लिखते हैं सर, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी. सर सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी क्यों देनी पड़ती है, कब देनी पड़ती है? अब देखो, वैसे तो पहले लगती थी जब भी हम कोई गुड्स मैन्युफैक्चर करते थे, मैन्युफैक्चर ऑफ गुड्स इन इंडिया. बट अब ये सारे गुड्स पे नहीं लगता. तो बेसिकली सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी ऑलरेडी डिलीटेड है. बट अगर आप पूछो कि सर अभी भी आप कह रहे हो कि कुछ आइटम पे लगता है, तो वो कौन से आइटम्स हैं? तो बच्चों गवर्नमेंट ने कहा जो टोबैको है ना, टोबैको ये नेगेटिव आइटम है, इसके ऊपर लगा. टोबैको के अलावा गवर्नमेंट ने पेट्रोलियम आइटम्स जैसे कि पेट्रोल, डीजल, हाई स्पीड डीजल, नेचुरल गैस, इन आइटम्स के ऊपर भी गवर्नमेंट ने कहा कि हम लोग क्या लगाएंगे? सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी. तो आज के टाइम पे इन दो आइटम्स पे लग रहा है, इसके अलावा चीजों पर नहीं लग रहा. इज दैट क्लियर? तो गवर्नमेंट हमसे ले रहा है, ये टैक्सेस ले रहे हैं गवर्नमेंट सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी के नाम से. बट वैसे पहले की बात करो तो मैन्युफैक्चर ऑफ गुड्स इन इंडिया, जब भी हमारे देश में मैन्युफैक्चर होता था ना कुछ, तो गवर्नमेंट को, लोगों को सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी पे करनी पड़ती. अच्छा, इसको सेंट्रल क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती थी. समझ में आया? इसको सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती थी. बेसिकली बच्चों एक्साइज भी ना दो तरह के होते थे. एक्साइज जो है ना वो दो तरह के होते थे. एक होता था सेंट्रल एक्साइज और एक स्टेट एक्साइज. अब सेंट्रल एक्साइज वो एक्साइज है जिस पे टैक्स कौन लगाता है? जब गुड्स मैन्युफैक्चर होंगे इंडिया में. बट लगाएगा कौन? सेंट्रल गवर्नमेंट. टैक्स लगाने की पावर सेंट्रल गवर्नमेंट. लेवी. लेवी का मतलब समझते हो बच्चों? चार्ज करना. चार्ज करना, पावर टू लेवी. और सेंट्रल गवर्नमेंट ही टैक्स को क्या करता है? कलेक्ट. टैक्स लगाएगा कौन? सेंट्रल गवर्नमेंट. कलेक्ट कौन करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट. सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी किस पर? बताता हूं ना, बताता हूं. कहा था ना फ्लाई करना है, उड़ना है, इंजॉय करते करते पढ़ना. ठीक है, मजा आ रहा ना? अब स्टेट एक्साइज. स्टेट गवर्नमेंट जो टैक्स लगाती थी मैन्युफैक्चर पर, उसको स्टेट एक्साइज बोलते थे. सर स्टेट गवर्नमेंट तो आपने बोला सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती है, तो फिर ये क्या चक्कर है? बेटा ऐसा है ना, कुछ प्रोडक्ट्स पे सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती थी और कुछ प्रोडक्ट्स पे स्टेट गवर्नमेंट लगाती थी. तो स्टेट गवर्नमेंट लेवी करती थी. लेवी का मतलब क्या होता है बच्चों? चार्ज करना. चार्ज करना मतलब टैक्स लगाना. तो स्टेट गवर्नमेंट लगाती थी और स्टेट गवर्नमेंट ही इस पर टैक्स कलेक्ट करती थी, करती है अभी भी कलेक्ट करती है. तो बताओ सर ये कौन से प्रोडक्ट्स हैं जिनके बात आप कर रहे हो? मैं पहले की बात करूं, अगर सेंट्रल एक्साइज, जहां भी मैं स्टेट एक्साइज वाले प्रोडक्ट्स लिख रहा हूं, इसके अलावा जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो सेंट्रल एक्साइज देना पड़ता था. एग्जाम्पल, एल्कोहलिक लिकर, नार्कोटिक्स,
ओपियम एंड इंडियन हेम्प चार आइटम्स ऐसी जिसके ऊपर स्टेट गवर्नमेंट लगाती है टैक्स, स्टेट गवर्नमेंट आज भी लगाती है एक्साइज ड्यूटी। एल्कोहलिक लिकर, नार्कोटिक्स, ओपियम, इंडियन हेम्प, नशा, बेसिकली ये सारे नशे वाले आइटम है बच्चों। लिकर के बारे में तो सब लोग जानते ही होंगे, एल्कोहल लिकर, नार्कोटिक्स, ओपियम, इंडियन हेम्प, ऐसा क्लियर, वो जो होता नहीं वो जो भांग होली में, इंडियन हेम्प पौधा ही तो होता है, वो पौधा सर, ओपियम भी पौधा है सर, ये सब ड्रग है, और ड्रग जो है वो गवर्नमेंट ने इलीगल नहीं किया, गवर्नमेंट ने उसको बैन नहीं किया। इसका एक रीजन है कि ये जो ड्रग है ना, ये ड्रग भी मेडिसिन में लगता है। जितने भी आज मेडिसिन कंजम्पशन होती है, मेडिसिन मैन्युफैक्चर होती है, उसमें कहीं ना कहीं अल्कोहल, नार्कोटिक्स, ओपियम, इंडियन हेम्प, ये सब चीजें यूज होती हैं। तो इसको ट्रेड करना, इसका यूज करना गलत नहीं, इसको मैन्युफैक्चर करना गलत नहीं है। इसलिए स्टेट गवर्नमेंट ने बोला मैं देखूंगा कि स्टेट गवर्नमेंट देखेगी टैक्स लगेगा या कितना लगेगा कितना नहीं लगेगा। इज दैट क्लियर? इसीलिए लिकर की बात करेंगे तो लिकर के प्रोडक्ट के प्राइसेस हर स्टेट में आपको अलग अलग मिलेंगे। रीजन, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है ना कितना टैक्स लगाना है। अगर मान लो इंडिया में, सॉरी दिल्ली में स्टेट गवर्नमेंट 50% एक्साइज ड्यूटी लगाती है, यूपी में 20% लगाती है, बिहार में 10% लगाती है, तो उसके अकॉर्डिंगली वहां पर क्या होंगे प्राइसेस। मेरी बात समझ में आ रही है? तो ये है स्टेट एक्साइज। और इसके अलावा ऑल अदर प्रोडक्ट्स, बाकी के रेस्ट ऑफ ऑल द प्रोडक्ट्स सब सेंट्रल एक्साइज। समझ में आ रहा है बच्चों? तो ये है एक्साइज ड्यूटी, जैसे कि हमें गवर्नमेंट को पे करनी पड़ती है, तो एक्साइज ड्यूटी इस तरीके की होती थी। अब ये वाला जो कानून है ना, ये वाला, ये सिर्फ सेंट्रल एक्साइज टोबैको और पेट्रोलियम आइटम्स, इसके लिए जिंदा है ओनली। तो करंटली सिर्फ इस पर चल रहा है, बाकी सब चीजों पर इनएक्टिव है। आई होप नो सब बच्चों ने नोट कर लिया होगा, मैं आगे बढ़ा रहा हूं। तो मैं एक्साइज ड्यूटी पे था बच्चों, मैन्युफैक्चर ऑफ गुड्स इन इंडिया, टोबैको आइटम, पेट्रोलियम आइटम्स, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी लगती है। कस्टम ड्यूटी कब लगती है बच्चों? कस्टम ड्यूटी लगती है जब हम कोई गुड्स इंपोर्ट करते हैं या एक्सपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट ऑफ गुड्स और एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स। क्या वाकई में एक्सपोर्ट पे भी लगना चाहिए बच्चों कस्टम ड्यूटी? नहीं भाई, कस्टम ड्यूटी एक्सपोर्ट पे क्यों लगाओगे? अगर कस्टम ड्यूटी एक्सपोर्ट पे लगाने लग जाओगे तो हमारी चीजें महंगी हो जाएंगी, हमारी चीजें महंगी हो जाएंगी तो बाजार में कौन खरीदेगा, बाहर कौन खरीदेगा, इंटरनेशनल मार्केट में? हमें चीजें सस्ती करनी है ताकि हम कंपीट करें चाइना, नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान और जितनी भी एशियन कंट्रीज हैं उनके साथ अगर कंपीट करना है तो आपको सस्ते प्राइसेस रखने पड़ेंगे। ये सब डेवलपिंग में, तो जितने भी डेवलपिंग नेशंस होते हैं ना उनके साथ लड़ाई हमारी प्राइसेस पे होती है। नाउ इंपोर्ट ऑफ गुड्स, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स पर कस्टम ड्यूटी लगता है। अब एक्सपोर्ट पे कस्टम ड्यूटी तुम पूछ रहे हो तो मैं बता दूं, एक्सपोर्ट पे कस्टम ड्यूटी लग सकता है अगर कोई ऐसा प्रोडक्ट है जिसकी रिक्वायरमेंट हमारे देश में, इंडिया में ज्यादा जरूरी है, बट एक बिजनेसमैन धड़ाधड़ क्या कर रहा है, एक्सपोर्ट। क्यों? क्योंकि उसको तो बिजनेस करना है, बाहर से ऑर्डर आ रहा है, उसने बाहर भेज दिया, बट उसको इंडिया में चाहिए वो प्रोडक्ट, जरूरत है उसकी इंडिया में, बट वो बिजनेसमैन तो बाहर एक्सपोर्ट कर रहा है। गवर्नमेंट ने क्या किया, एक्सपोर्ट पे ड्यूटी लगा दी। ड्यूटी लगाने से प्राइसेस महंगे हो जाएंगे और ऑर्डर सारा वापस आ जाएगा। ये एक स्ट्रैटेजी होती है एक्सपोर्ट पर ड्यूटी लगाने की। गवर्नमेंट उस बिजनेसमैन को कुछ नहीं कहेगी क्योंकि उस बिजनेसमैन की कोई गलती नहीं है, एग्जैक्टली वो तो बिजनेस कर रहा है। बट अगर एक्सपोर्ट पर ड्यूटी लगा देंगे तो प्राइसेस महंगे हो जाएंगे, अपने आप डिमांड नहीं आएगी तो चीजें अपने आप वापस आ जाएंगी। एग्जैक्टली इंपोर्ट ऑफ गुड्स पे तो देखो ड्यूटी लगानी जरूरी है ताकि हमारे डोमेस्टिक प्रोडक्शन है उनका नुकसान ना हो, क्योंकि हमारे देश में भी तो प्रोडक्ट बन रहे हैं। अगर हम लोग अपने देश में जो प्रोडक्ट बन रहे हैं उनको एंकरेज ही नहीं कर रहे तो फिर यही होगा भाई, चाइना और दूसरी कंट्रीज को फायदा मिल जाएगा, जो आप देख रहे हो आज भी इंडिया के अंदर। चाहे कोरोना वायरस में आप लोग सुनते होंगे कि बहुत सारे 50% चाइना का बिजनेस खत्म कर दिया, कुछ भी नहीं हुआ भाई,
आज भी बहुत सारा इंपोर्ट चाइना से होता है, चाइना के बिना काम ही नहीं बनना। इज दैट क्लियर? इंपोर्ट ऑफ गुड्स, तो हमारे देश में प्रोडक्शन होनी चाहिए, प्रोडक्शन होगी तो इंपोर्ट कम हो जाएगा, वही चाहिए। जिस दिन हम लोग उस लेवल पे आ गए ना, हमारा देश और डेवलप होना स्टार्ट हो जाएगा बहुत जबरदस्त तरीके से, पहले से तो बेटर ही है। नाउ कस्टम ड्यूटी के बाद बात करते हैं वैल्यू एडेड टैक्स की। ये भी एक पहले टैक्स होता था, आज भी ये दो आइटमों पे लगता है, मैं बताने वाला हूं। आज अभी वैल्यू एडेड टैक्स लगता है जब कोई इंट्रा स्टेट सेल होती है ऑफ गुड्स। इंट्रा स्टेट सेल का मतलब है विद इन द स्टेट, यानी अगर दिल्ली का ही सेलर है, दिल्ली का ही बायर है, दिल्ली के सेलर ने दिल्ली के बायर को सामान बेचा तो क्या लगेगा? वैट। दिल्ली का सेलर हरियाणा वाले बायर को बेचता है तो क्या लगेगा? सीएसटी, सेंट्रल सेल्स टैक्स। मैं आपको बताऊंगा अभी, तो ये मैं फिर से बता रहा हूं, ये इवेंट है बच्चों जिनकी वजह से ये टैक्सेस लगते थे। तो वैट आज सिर्फ दो आइटमों पे लगता है, विच इज वन पेट्रोलियम आइटम्स एंड अदर इज एल्कोहलिक लिकर। एल्कोहलिक लिकर और पेट्रोलियम आइटम्स पे आज क्या लगता है? वैट लगता है। इसके अलावा किसी और प्रोडक्ट पे वैट नहीं लगता, पेट्रोलियम आइटम्स, एल्कोहलिक लिकर। समझ में आ गया बच्चों? ठीक है, वो बातें आप वैसे जब हम लोग इनडायरेक्ट टैक्सेस पढ़ेंगे तब भी आएगा, बट एक बार ही आप लोगों को एक बार फिर से मैंने यहीं पर क्लियर कर दिया बात, एल्कोहलिक लिकर और पेट्रोलियम आइटम पर क्या लगता है? वैट। इसलिए इनके प्राइसेस आपको हर स्टेट में अलग अलग मिलेंगे, आपने देखा होगा पेट्रोल के भी रेट हर स्टेट में अलग अलग होते हैं। सीएसटी बच्चों, सेंट्रल सेल्स टैक्स, यानी सीएसटी की अगर हम बात करें तो सीएसटी लगता था इंटर स्टेट सेल पर, इंटर स्टेट सेल ऑफ गुड्स। तो अगर आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट, यानी दिल्ली से हरियाणा, हरियाणा से यूपी, यूपी से पंजाब, पंजाब से बिहार, ऐसा कुछ सेल ट्रांजेक्शन हो रही है इंटर स्टेट, तो ऐसे केस में सीएसटी पे करना पड़ता था आउटसाइड द स्टेट। इज दैट क्लियर बच्चों? तो अगर देखा जाए सीएसटी अब जिंदा तो नहीं है, सीएसटी को खत्म कर दिया, जीएसटी आ गया ना, जीएसटी आया तो वैट, सीएसटी, ये सब चीजों पर इंपैक्ट आया, तो सीएसटी अब नहीं है। बट अगर यही पेट्रोलियम आइटम्स और अल्कोहलिक लिकर इंटर स्टेट सेल होगा तो क्या लगेगा बच्चों? सीएसटी। यही चीज। इज दैट क्लियर बच्चों? इंट्रा होगा तो वैट लगेगा, इंटर होगा तो सीएसटी। तो ये हम लोगों ने क्या पढ़ा है, ये जो मैंने आपको पढ़ाया है ये है टैक्सेबल इवेंट, ये है वो सिचुएशंस जिनकी वजह से ये टैक्स लायबिलिटी अराइजेस होती है, टैक्सेस लगते हैं। अब इसके लिए कि ये टैक्सेस, सर कहां लिखा हुआ है कि ये टैक्सेस लगने चाहिए? कानून में कहीं लिखा है तो बताओ, तो बच्चों वो भी बताएंगे ना, चिंता क्यों करते हो, वो भी बताएंगे, सब कुछ बताएंगे, बट अब अगली क्लास में बताएंगे। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही करते हैं। दो टॉपिक आज हम लोगों ने किए हैं, पहला डिफरेंस जो आप लोगों ने याद करना है, फटाफट दिमाग में बिठा लेना है, दो बातें और एक टैक्सेबल इवेंट। दोनों ही बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है। टैक्सेबल इवेंट का मतलब बता दो एक बार फिर से, एन इवेंट और सिचुएशन विच गिव्स राइज टू टैक्स लायबिलिटीज को हम लोग क्या बोलते हैं? टैक्सेबल इवेंट। इज दैट क्लियर बच्चों? ठीक है जी, तो आज के लिए इतना ही करते हैं, बाकी अगली क्लास में। बाय बाय।